राम मंदिर 500 सालों का लंबा इंतजार, संघर्ष और बलिदान, आज राम मंदिर बनकर तैयार है। कल राम जन्मभूमि में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष ही नहीं विदेश, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम को चाहने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी शहर भी पीछे नहीं है, पूरा सिलीगुड़ी शहर अयोध्या के रंग में रंग चुका है। अभी हम आप पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के माटीगड़ा में। हम यहां पे तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी चल रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं, हम तस्वीरें दिखाते हैं। अभी हम आप पहुंचे हैं सिलीगुड़ी के माटीगड़ा में, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का नाम है श्री राम ज्योति दीपोत्सव। नाम से ही पता चल रहा है, दीपों का उत्सव। यहाँ पे 21,000 दीप प्रज्वलित कर राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बनाया गया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बता दें कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके आयोजक है माँ जानकी सेवा समिति। आगे बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही है। हम इस समिति के सदस्य से बात करेंगे, जानेंगे पूरी कार्यक्रम क्या है। बहुत ही सुंदर सजावट यहाँ पे की गई है, हम सारी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। देखिए इतनी सुंदर तरीके से, जैसे कि देखने को ही मिल रहा है कि गेरुआ रंग से पूरे जो है इस कार्यक्रम को सजाया गया है, पूरे कार्यक्रम के पंडाल को सजाया गया है फूलों से, सुंदर सुंदर फूलों से। जो देख पा रहे हैं आप त्रिशूल ओम, और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग तरीके से पूरे पंडाल को सजाया गया है। यहाँ पे 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी काम में व्यस्त है, भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है कल, उस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में व्यस्त है। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? नंदनी सहानी। आप ये जो सजा रहे हैं, कौन सा फ्लावर, कौन सा फूलों का इसमें इस्तेमाल किया गया सजाने में? इसमें गेंदा फूल का इस्तेमाल किया गया है, ये रेड वाला, फिर उधर व्हाइट का, ब्लैक वाला भी है, और उसमें गुलाब का फूल भी है, 3-4 किस्म का। कब से लगे हैं इसको सजाने में? सुबह से लगे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरीके से इस दिन को मनाना चाहते हैं? बहुत अच्छा तरीका से मनाना चाहते हैं, और सबको बनाना चाहते हैं। आगे हम चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या तैयारियां की गई है। जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही सुंदर, एक मनमोहक तरीके से, देख के ही आकर्षक होने वाली तस्वीरें यहाँ पे दिखाई जा रही है। हर तरफ भगवान राम की जो है पोस्टरें यहाँ पे लगाई गई है, गेरुआ झंडे लगाए गए है, पूरा गेरुआ रंग से सजाया गया है। इसके साथ ही इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, 21,000 दीप प्रज्वलित कर स्वास्तिक, देखिए कितनी सुंदर तरीके से एक बड़ा सा विशाल स्वास्तिक यहाँ पे बनाया गया है फूलों से, बहुत ही सुंदर तरीके से। सभी लोग व्यस्त हैं कामों में। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इन्हें कितनी खुशी हो रही है इस वक्त ये सजावट करते हुए। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? पूर्णिमा राम। कब से लगे हैं सजाने में? हम लोग सुबह 10 बजे से। किन किन फूलों का इस्तेमाल किया गया? यहाँ पे 3 फूलों का इस्तेमाल किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को मतलब इतना सौभाग्य मिल रहा है कि ये काम करने के लिए, मतलब भगवान राम की राम आएंगे जो है इसके लिए। हाँ, बहुत ही खुश है। बहुत खुश है, बहुत खुश। क्या कभी अयोध्या जाना चाहेंगे? हाँ, हम लोग जाना चाहेंगे जरूर, मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे इस जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, माँ जानकी सेवा समिति के जो सेक्रेटरी है उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे पूरे कार्यक्रम के बारे में। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम? शिवचंद्र सिंह। कार्यक्रम के बारे में बताइए। हम लोग एक ऐसे हर बत्ती जलाने के लिए हम लोग प्रोग्राम किए हैं, समाज लेके प्रथमा जो पति नाम लेके हम ले चीले सब लिए हम लोग। राम मंदिर जो उद्घाटन है उस दिन हम लोग करे।
यहाँ से कोई रैली या नहीं हम लोग खाले बत्ती जलाने की हम लोग प्रोग्राम के भगवान के पूजा वजा करके हम लोग बत्ती जलाएंगे, दीप जलाएंगे, प्रसाद की व्यवस्था की है हम लोग। जैसा कि देखा जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया पंडाल को, हर जगह राम भगवान की तस्वीरें, झंडे लगाए गए। कितना समय लगा ये सजावट करने में? ये मोटा मोटी हम 10 दिन से प्रोग्राम में हम लोग है, 10-12 दिन से हम लोग प्रोग्राम में लगा हुआ है। 500 सालों से जो लड़ाई चल रही थी आखिरकार राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा गर्व हुआ हम लोग को, ये राम मंदिर हम लोग को ये हुआ आज मैंने सफल हुआ, आज हम लोग को हिंदू का एक तो बड़ा पड़ाव आ गया, बढ़िया लगा आप सुनकर, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश मिश्रा है। हम पूजा के बारे में बताइए। आज ये कार्यक्रम हम लोग है, हम लोग का कल जो राम लला का प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, उस खुशी में हम लोग 21,000 दिया जला रहे हैं यहाँ पर माँ जानकी सेवा समिति के तरफ से, और इसमें सभी धर्म जाति के लोग उत्सित है, और ये कोई राजनीति से नहीं, हम लोग समाज के तरफ से कर रहे हैं इसको। तो इस कार्यक्रम को करने में किन किन लोगों ने अपना सहयोग दिया? इस कार्यक्रम को करने में लगभग हमारे माटीगरा 2 के सारे लोग, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, सबका उत्साह है, और ये कार्यक्रम को देखने के लिए 3 दिन से लोगों का हुजूम लगा हुआ है। सिर्फ जो है आम लोग ही मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं या फिर किसी संगठन या किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य ने भी आपका सहयोग किया है? नहीं, राजनीतिक पार्टी का कोई भी नहीं है, ये सिर्फ आम लोगों का है, हर राजनीतिक पार्टी का सहयोग है हम लोग के पास में, सब खुशी है इस प्रोग्राम से। राम मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, पूरे देशवासी को खुशी है, पूरे भारतवर्ष वर्ल्ड खुश है राम मंदिर बनने से। धन्यवाद। साथ ही यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, तो चलते हैं बातें करते। नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम? मनोज कुमार चौधरी। राम मंदिर बन चुका है, कितने खुश हैं इसको लेकर? सबसे पहले तो जो राम मंदिर भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम लला की, जो सरयू नदी तट पे जो उनका जन्म हुआ, आज वो जन्मोत्सव पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से मनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं उस व्यक्ति लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा और अपना श्रद्धेय जनाना चाहूंगा जिन्होंने अपने जान निछावर कर दिए हैं। लाखों आदमी मारे गए थे, 500 साल से जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में थे, जो कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने ये जिसके न्याय से, जिनके जो 19 तारीख 2019 को जो ये फैसला आया था कि जितने भी सनातनी धर्म है उनके पक्ष में फैसला आया कि ये रामलला वहीं पे अयोध्या में ही बनेंगे, इसके लिए मैं उन न्यायाधीश लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरे बात में मैं हनुमान नहीं हूँ जो सीना चीर के दिखा दूँ, इतना खुशी है और पूरे जितने भी सनातनी धर्म है उसको इतना खुशी है जो आज एक नया सा एक त्यौहार दीपोत्सव के तौर पे पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें कि किसी का कोई यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं सजावट है, ये फंडिंग है, हम लोग किसी भी तरह का रसीद चंदा बुक हम लोग किसी रास्ते में रोक के कहीं भी कोई ट्रांसपोर्टेशन से हम लोग नहीं उठाए, राह चलते आदमी को ये प्रोग्राम देख कर इतना खुशी हो रहा है जो गाड़ी रोक के हम लोग यहाँ पे आके खुद से नाम लिखा के सहयोग राशि दे के जा रहे हैं, और पता नहीं हम लोग यहाँ पर जो 21,000 दीपोत्सव मनाया जाएगा, हम लोग का 21,000 का दीपोत्सव का प्रोग्राम नहीं था, हम लोग सोचे थे 2100 दिया जलाएंगे, और इस तरह के हमारे भारतवर्ष के इतने राम भक्त जो हैं जो आए हैं, तो आज उनका सहयोग से ये 2100 दिया को 21,000 में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें आपको प्रोग्राम इस तरह है कि आपको लाइव टेलीकास्ट का भी प्रोग्राम है जो लाइव टेलीकास्ट चलेंगे, 21,000 दीपोत्सव मनाया जाएगा, प्रसाद वितरण है, उसके बाद आपको कटिहार के कुछ टीम है जो यहाँ पे भजन संध्या के प्रोग्राम चलेंगे, और हम लोग ने जितने भी हैं सब कोई मिलके, यहाँ के जितने आदमी हैं सब कोई मिलके ये प्रोग्राम को सफल करने का यही प्रण लिए हैं। तो आप इस कार्यक्रम को लेकर दर्शकों को और शहरवासी को क्या कहना चाहिए? मैं दर्शकों को यही देना चाहता हूँ कि आज जो खुशी का ये है, आज ये हमारे सबसे गर्व की बात है कि आज हम अपने जन्म में अपने स्थिति में ये हम देख पाए, मेरे आने वाले पीढ़ी हो सके ये खुशी का जो आज महोत्सव है ये वो लोग ना देख पाए, ये हम अपने आप को बहुत खुद नसीब समझते हैं, जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है ये हमने अपने आंखों अपने जीवित काल में देखे हैं, इससे बड़ी और खुशी की बात हमारे सनातन धर्म के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती है, और मुझे नहीं लगता कि इससे भी खुशी हर घर राम आएंगे, और इतना ही बोलना चाहूंगा, इसीलिए कहते हैं जिस घर में राम नहीं उस घर में काम क्या, जहां राम हो वहां किस बात का भय। जय श्री राम। जय श्री राम।
तो जैसा कि देखा आपने, उत्साह देखते ही बन रहा है। इन्होंने जैसे कि बताया कि सबसे पहले इनका प्लान था 2100 दिए जलाने का, लेकिन इन्हें इतना सहयोग मिला, लोगों में इतना उत्साह है कि 2100 दिए 21000 में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे 21000 दिए जलाए जाएंगे और सभी आम लोग मिलकर इस आस्था को अपने मन से पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, अन्य जगहों पर भी जाएंगे, अन्य जगहों की सीधी तस्वीरें आप तक दिखाएंगे, आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद।